आज मैं आपको एक बिल्कुल डिफरेंट विषय के ऊपर कुछ लाइनें सुना रही हूँ, जिसमें के हास्य भी है और व्यंग भी है और एक जिंदगी की हकीकत भी है। तो इसके अंदर मेरे समधी जी की कहानी है। अरे मिट्ठू के मामा, अरे तारा चंद के ताऊ, अरे मेरे समधी बड़ती चंद, इनकी सांसें कुछ हो गई आज मंद, अरे इनकी सांसें हो गई आज कुछ मंद, अस्पताल में भर्ती, अरे भगवान की जो मर्जी, डॉक्टर का अनुमान, बर्दी चंद कुछ मिनटों का मेहमान, हाय बर्दी चंद कुछ मिनटों का मेहमान। ये सुनकर लुगाइयों ने छाती पीटी, जोर जोर से शोर मचाया, पर वार्ड के अंदर से अभी कोई समाचार नहीं आया। रोते रोते लुगाइयां हो गई तंग, अरे रोना धोना हो गया सब बंद, कब तक रोती बिचारी। ये सुनकर अब एक रिश्तेदार ने कंपाउंडर से पूछा, ये तो भगवान की मर्जी, मर्जी के आगे किसकी जोर चला है, पर ये तो बताओ बर्दी चंद के खिसकने में अभी कितना समय और लगेगा। कंपाउंडर बोला, क्लियर टाइटल है, पंक्चर साइकिल है और थोड़ी देर में फुल और फाइनल है। इतना सुनकर सबके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। ए भगवान, हमारी तूने जल्दी सुन ली, पर ये क्या बताओ। अब कंपाउंडर ने बोल दिया, ये सुनकर के एक व्यक्ति शोक समाचार लिखवाने चला गया, एक आदमी लकड़ी तुलवाने चला गया, एक आदमी ने फोटो का फ्रेम बनवाया और एक आदमी ने तकिया रजाई हलवाई धर्मशाला सब बुक करा दी, और एक आदमी ने आखिरी बार क्या करा, झाड़ू वाली बाई काम वाली बाई सब फिट करवा दी। पर ये क्या हुआ, इतना कुछ होने के बाद कोई मेहनत काम नहीं आई। परेशान हो गए सारे पड़ोसी और घर का जवाई, जवाई को तो सबसे पहले परेशान होना कौन चाहता है, ऐसे में वहां पर रुकना, हो गया जवाई परेशान, क्यों, पर वर्दी चंद की सांस रुकने नहीं पाई। एक आदमी रिश्तेदार झल्लाया, धीरे से बुदबुदाया, अरे मेरी छुट्टी खराब हो रही है, पर ये क्या, वर्दी चंद हमको कब फ्री करेंगे, ये कमबख्त की छुट्टी नहीं हो रही है। किसी की नजर घड़ी पर तो किसी की चाय की थड़ी पर, तो सब एक बोला, अरे क्या भूखे ही खड़े रहेंगे, वर्दी चंद का पता नहीं हमको कब फ्री करेंगे। तो तभी सभी धीरे धीरे करके एक एक खिसक गए, चले गए रेस्टोरेंट में, कोई पोहा जलेबी तो कोई हलवा कचौड़ी तो कोई समोसा और चाय खा के आ गए। अभी तक कोई आवाज नहीं आई थी, सबकी निगाहें वार्ड के दरवाजे पर टिकी थी, तभी अंदर से आवाज आई, एक फाइल निपट गई। सबके चेहरे पर मुस्कान आ गई, सोचा कि चलो अब जल्दी छुट्टी मिल जाएगी। अरे पर ये क्या, यमराज ने हमारे साथ जम कर मजाक किया है, ये तो बाजू वाला नमस्ते हुआ है। ओहो, तैयार हर कंधा था पर वर्दी चंद अभी भी जिंदा था। पर एक ज्ञानी की आवाज आई, मृत्यु को निमंत्रण पत्र देना होगा। एक ने लिखना शुरू किया,
भेज रहे हैं स्नेह निमंत्रण इस वर्दी चंद को ले जाने का। हे यमलोक के यमदूतो, तुम भूल न जाना आने को। कर रहे हैं हम विनती, घड़ियों में देख रहे हैं, कर रहे हैं गिनती। किसी ने अपनी राय बताई, अन्न दान, कपड़ा दान, गौ दान, अनाज दान, सारे दान विफल हो गए। अब आई जमाई की जो थी, पेशेंस खत्म हो गई। उसने मूछों पर ताव देते हुए बोला, अरे पूछो, कोई आखिरी इच्छा तो बाकी नहीं रह गई। इतना सुनते ही वर्दी चंद की पत्नी ने आंखों से इशारा करा और अपनी एक जवान सी खूबसूरत सी पड़ोसन बुलवाई। पड़ोसन ने आकर के बड़े मुस्कुरा करके वर्दी चंद के कानों में कुछ फुसफुसाया। ऐसा लगा कि वर्दी चंद में कुछ हलचल हुई। उसके बाद पड़ोसन ने खाट की परिक्रमा लगाई और मेरे वर्दी चंद की आत्मा को मुक्ति दिलाई। थैंक यू।